अरे तुम चार मशीन लगा, हमको तो पेट चाहिए ना सर, हमको खेत चाहिए, खेत बर्बाद किए, धान मेरा चले गया, धान वो काट के तो पेट भरते थे, वो तो नहीं रहने दिया, क्या कहाँ रहे, कहाँ जिए, हमको पता है, छह आदमी दीजिएगा, छह आदमी पे जिंदा रहेगा, छह बाकी मर जाए, हम मर जाते हैं, हम जाते हैं कोई ट्रक के नीचे कूद जाते हैं, आने दीजिए भोल 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 पे कूद जाते हैं हम, झंझटे नहीं रहेगा आपको, आप जो बोल रहे अगर उसको बोले तो सब हम मेरे पास काम ही नहीं, मैं मर जाऊंगा बोले तो मैं क्या, अरे हम सदस्य थे, हम दूसरी से बात कर रहे हैं, हम मुझे क्या है, बात किया भी आपके सामने पहले कभी बंदी किए थे क्या सर, बंदी किए थे आपके सामने, कभी गिड़गिड़ाए थे, कभी बोले थे, आज क्यों ऐसा स्थिति बनवा के हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्यों उठाना पड़ रहा है हमको ये कदम, बार बार बोल रहे सुबह से भूख दाना नसीब नहीं है, आप बता रहे हैं कि छह आदमी को दे रहे हैं, चार आदमी को दे रहे हैं, अब बाकी आदमी मर जाता है, होलपे का कूद जाते हैं हम, मर जाते हैं, झंझट खत्म हो जाता है, आप तो दो को कॉल कीजिएगा, चलो दस को आदमी कहीं रखेगा, आपसे बढ़ के सर कोई कंपनी, आपसे बढ़ के सर पूरा सर, मैं हम आज से नहीं दो महीने से आपसे पहले ये आपसे पहले हम नहीं सुनते सर, बंद हो मेरा पेट, अब उसको ये तो बंद कर दो, चलो तुम तो चल रहा था ना, संजय तो चल रहा था ना सर, इसमें तो बोल सकते थे ना, संजय तो कैसे ना चल रहा है, कहां का आदमी सर, 10% हमको बोले तो 10 दिन में रिजल्ट गई, कहां दिया हमको रिजल्ट सर, रिजल्ट कहां दिया हमको बताइए ना, अरे बरबार रहा आप लोगों को हटाएगा, केशव वाला आपको हटाएगा, कुछ लोगों को केशव केशव में भी खराब कोई हटाएगा, हमारा घर में आके हमारा खेत में आके खेती करेगा तो हमारा आधा हिस्सा देगा कि नहीं देगा, बात का मतलब हम अगर अपना खेत किसी को देते हैं तो खेत में अगर फसल लगाता है तो आधा आधा अनाज देता है कि नहीं देता है सर, आधा अनाज देता, अब कहीं से आप आके खेती कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, आपको दीजिए हमको कोई दिक्कत है, हमारा पेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, हमारा जमीन सुरक्षित रहता कि नहीं रहता, आज जमीन भी ले लिए ऊपर से हम लोग भूखे मरने पर विवश है, तब नहीं बात हो रहा सर, इससे पहले तो आपके सामने इस तरह का बात नहीं हुआ था, आप सबसे बड़ा मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब से पूछिए क्या हम लोग गलत किए हैं, क्या इस पर नया किए हैं, क्या इससे पहले कभी बंदी किए थे, आप सटीक रास्ता निकालिए सर, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिस्टम से अगर पेट भूखा रहेगा तो सर पूछ जाएंगे कहीं, आप अपने बाल बच्चे को लेकर कुदा देंगे, आपको झंझट नहीं रहेगा, इतना समस्या नहीं होगा, आप स्पष्ट कीजिए कि रोजगार आज स्पॉट में क्लियर होना चाहिए, या तो हमारा जमीन दीजिए या तो फिर हमको रोजगार दीजिए, आज रोजगार के लिए आपके सामने हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, असल प्रदूषण से उतना ग्रसित ग्रसित है, वो तो धूल करता खा रहे हैं, कौन बच्चा खाता है सर इतना धूल करता, चलो जमीन में जब से पैदा लिए तब से हमको खाली गर्दे नसीब हुआ, खाली धूले नसीब हुआ, कई गो टंकर पानी पटाता है, कई गो आदमी को वहाँ रोजगार दे के रखा है, कई गो आप कई दिन पानी पीने के लिए हमको दिया है, कई दिन हमको दिया है खेलने के लिए, आज भूखे हैं, आप भी आए सर, आपको दबाव पड़ा होगा कि आपका प्रोडक्शन बंद है, नहीं तो इससे पहले अब 28 दिन या 30 दिन हो गया, अब कितना दिन हम लोग के साथ वार्ता के लिए हैं, कितना दिन आपसे पहले भी तो यहाँ जीएम साफ थे सर, ऐसा बात नहीं कि आप पहली बार जीएम बन गए हैं, इससे पहले तो जीएम नहीं करवाते हैं, आप लोग को सर अचानक नहीं सर, फिर अचानक वाला बात नहीं, एक घंटा अगर पशु को छिलेगा अचानक वाला बात नहीं है, दो दिन तो प्राकृतिक आपदा के कारण गया सर, मेरा कारण गया क्या, दो दिन जो गया मेरा कारण गया क्या, बोलिए आप उसी में कर देता हम लोग आ जाता था, हम लोग जो समय दिया सिस्टम से